अग्निपथ योजना का विरोध का सिलसिला जारी है। शनिवार को नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के नजदीक मंदिर पर सैकड़ों लड़के पहुंचे। यहां एकत्रित होने के बाद जुलूस की शक्ल में हाईवे पर पहुंच गए। वहां पुलिस अलर्ट होने के बाद एक बार इनको रोक लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद युवाओं की टोली फिर से सड़क जाम करने पर आमादा हो गई। कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी गई, इस कारण पुलिस के हाथ पैर फूल गए। सीओ मीरगंज राजकुमार मिश्रा के समझाने के बाद भी यह लड़के नहीं माने, बल्कि इस बात पर अड़ गए कि एसडीएम को बुलवाया जाए। इसके करीब पंद्रह मिनट बाद एसडीएम पहुंचे, फिर उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अग्निपथ योजना को लागू किया है, उसको वापस लिया जाए। देश के नौजवान इस पर आश्रित थे, बहुत सारे नौजवान ने आत्महत्या कर ली। सभी कुछ प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन सेना भर्ती को मत कीजिए, क्योंकि भारत के 75% नौजवान इसी पर आश्रित थे। कौन अपने बच्चे को 4 साल के लिए गोली खाने के लिए बॉर्डर पर भेजेगा? माता पिता अपने बच्चे से उम्मीद रखे हुए हैं। अगर उन बच्चों की उम्मीद पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन आपके जितने भी संसद विधायक हैं उन लोगों को कार्यकाल भी घटाकर 1 साल कर दिया जाए और पेंशन को भी रद्द किया जाए। आपने तो सरकारी संपत्ति का निजीकरण कर लिया। देश में आज तक किसी उद्योगपति राजनेता के बच्चे सेना में नहीं गया है। सेना में कौन जाता? मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं। हम भारत के नौजवान मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना वापस लें और पुराने नियम से फिर शुरुआत की जाए। इस दौरान थाना प्रभारी संजय सिंह के अलावा मीरगंज व शाही थाने के पुलिस के अलावा पीएसी भी मुस्तैद रही। उनका ये कहना था कि 4 साल के बाद जो युवा हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा और फिर से वो बेरोजगार हो जाएंगे, और एक तरीके से उन्होंने सांकेतिक इस योजना के प्रति सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। क्या आशा है इसमें? देखिए, उनका जो ज्ञापन है उसको ऊपर भिजवा दिया जाएगा, और ये ऊपर स्तर का प्रकरण है, इसमें भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी के स्तर से कोई कार्रवाई संभव है। ज्ञापन देते समय लोगों को कहना था कि 3 दिन के अंदर कुछ अल्टीमेटम वगैरह दिया, और 3 दिन का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।